हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज टोटल मैंने 5 टेस्ट किए हैं और उसमें से 2 ए में अभी तक तो ऐसे हिट हो चुका है। अभी फिलहाल तो मेरी पोजीशन ना शिपला, फिर उसके बाद HDFC लाइफ और विप्रो में अभी तक चल रही है। ओके, अभी देखिए, एक शिपला में क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे एंट्री की है नियर बाय लगभग 1389 के पास, और SL सिर्फ 3 पॉइंट्स का है, मतलब 1386 के आसपास मैंने SL लगा दिया है दोस्तों। अभी ये प्राइस के, मतलब यहाँ पे मैंने ये था लॉन्ग पोजीशन वाला, मतलब 1:3 का एक लगा दिया था, अपना ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे इसने जो स्पाइक मारा है ना, इसके बाद तो मैं थोड़ा सा डर ही गया, लगा यार अभी जाएगा कि नहीं जाएगा। 1:2 मिल रहा है, मतलब यहाँ से 4:30 दिख रहा था, अभी देखिए फिर से जा रहा है। अभी ये समय है कि इसको मैं बुक कर लूँ। अभी देखिए 400 तक चल रहा है अभी तक, राइट, पर इसको मुझे 450 के लगभग करना है। 1:3 है अपना, तो उसके आसपास अगर जाए तो मैं इसको बुक कर लूंगा, पर अभी देखेंगे अपन। क्योंकि देखिए 1400, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और उसके आसपास से देखिए प्राइस घूम सकता है। और प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे, एक बार नहीं, ये दूसरी बार उसको जो रिटच करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार आया वाई से घूमा, अब फिर से जा रहा है। बस एक बार क्या इसको निकालता है कि नहीं निकालता, ये देखना पड़ेगा, वरना मुझे यहाँ पे फिर पोजीशन को एग्जिट करना, क्योंकि एक बार आया और दूसरी बार भी देखो यार लगता है निकालने की जरूरत है। असल में ज्यादा ज्यादा इसमें सोचो मत, क्योंकि देखो इसमें निकालना ही पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी क्या, देखो थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन रही है, 1 मिनट, अच्छा इसमें आता हूँ। हाँ देखते अपन ये कैंडल, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग किस तरह से होती है, इसको अगर अगर इसने बुलिश कैंडल की तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ, पर अगर ये फिर इस तरह की फिर से कैंडल बनती है तो दोस्तों फिर इसमें निकल जाने में समझदारी है। क्योंकि ये देखो एक बार आ रहा है फिर दूसरी बार आ रहा है, मतलब इसका मतलब है अब बायर्स वीक है। क्योंकि एक बार इन बायर्स ने ट्राई किया, ठीक है अपन समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, अब बायर थोड़े इंटरेस्टेड नहीं है। फर्स्ट टाइम सेलर ने ट्राई किया है, अब सेकंड टाइम अगर सेलर ट्राई करते तो फिर इस बार तो ऐसा होगा फिर पूरे सेलर एक्टिवेट हो गए। अब मुझ जिस लोगों ने यहाँ पे, जिन्होंने पोजीशन किए, जिन लोगों ने प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया, वो लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो ट्रेड चल ही रहा है अपना। नेक्स्ट था इसमें देखिए, यहाँ पे ट्रेड लिया था, और लगभग मैंने थोड़ा सा इसके, हाँ 14 के पास, 17-14 के पास मैंने क्या किया था दोस्तों, सॉरी एंट्री की थी सेल साइड के लिए, और हाई को मैंने SL लगाया था। इस कैंडल ने मेरा SL हिट करा, वोलेटिलिटी के चक्कर में SL हिट हो गया। और नेक्स्ट स्टॉक ये चल रहा है, ये इसमें यहाँ पे कहीं पे एंट्री है, ओके मतलब नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं है, हाँ, यहाँ पे 584 के पास मेरी एंट्री है HDFC लाइफ में, और SL मेरा है जो है वो छोटा सा है, 583.5 के लगभग का मेरा SL होगा, सॉरी 583.8 के पास का मेरा लगभग SL है। इसमें भी सेम कंडीशन है, हाई के पास ही मैंने सीधा शॉर्ट किया है दोस्तों, और SL हाई के पास लगभग इसके आसपास ही पकड़ लीजिए लगभग, मुझे लगता है, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, इसमें थोड़ा सा मैंने प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन किया है। एक बार अपन चलते, अरे इसमें कम लगता तो नहीं है यार, एक स्टॉक जाने वाला है, हाँ जा सकता है। अभी इसने क्लोजिंग दी है अच्छी खासी, फिर भी होल्ड करूंगा मैं, थोड़ा तो होल्ड कर सकता हूँ, अगर नहीं अगर जाता तो फिर यार निकलने में निकल ही लेता हूँ, क्योंकि नहीं बैठना मुझे ज़्यादा, मिल चुका जितना प्रॉफिट मिलने वाला है उतना मिल ही गया है, छोड़ लेते हैं। हाँ तो ये स्टॉक अभी तक चल रहा है, तो अब तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ इसमें कहाँ पे एंट्री की है। देखिए इसमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं अपन, और इस स्टॉक में जो मेरी एंट्री थी लगभग मैंने प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन होने तक वेट किया है। देखिए बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, और उसके बाद एक मैं एक रिवर्सल के लिए प्लान प्लान कर रहा हूँ ना, तो जरूरी ये नहीं कि ये फिर से अब डाउन साइड भी आएगा, हो सकता है क्योंकि ये जो डाउन साइड आएगा भी थोड़ा स्लो आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, और मैंने एंट्री लगभग इसके आसपास की है, 476 के आसपास की, और हाई को मेरा SL, किसका SL गया, किसका तो SL गया, किसी का तो SL गया है, किसी का तो SL गया है लगता है, एक बार चेक कर लेता मैं किसका SL गया है, तो वेट करते अपन, किसका SL गया, नहीं अच्छा किसी का नहीं गया, ये नोटिफिकेशन बसते ना मुझे ऐसा लगता है SL गया क्या। ओके ये अभी फिर से देखिए उसके आसपास घूम रहा है, निकाल लेता लेता हूँ थोड़ा सा, एक बार छोटा हल्का, मतलब थोड़ा भी अगर स्पाइक को एक मार लिया तो अपना 500 तक का प्रॉफिट बन जाता है आराम से। लो बन गया, फिर से गया था नहीं, हाँ गया तो था, जा रहा है, निकाल लेता हूँ। चलिए एक स्पाइक चाहिए अपने को थोड़ा सा,
वरना स्पाइक के वेट में ऐसा ना हो जाए कि मैं प्रॉफिट को ही मिस कर लूँ। देखो कैसा हो रहा है, चलता है यार मार्केट में ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कहाँ पे फिर से लगता है मुझे नीचे आने वाला है ये स्टॉक, कहाँ पे जाएगा यही है। देखो अब आ गया 470 दिखाया, अब 350 ही दिखा रहा है। यही बात है मार्केट की, यही खासियत है, आता है मिलता है, अप डाउन करता रहता है मार्केट। 350, 370, क्या आपको लगता है ये फिर से जाएगा? मुझे नहीं लग रहा, अब मुझे नहीं लग रहा यार। ठीक है थोड़ा सा वेट कर देता हूँ, अगर गया तो ठीक, 5 मिनट चार्ट में आता। देखो यार इसने रिजेक्शन ले लिया है, अब तो रिजेक्शन है, पक्का रिजेक्शन है। मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता हूँ, बस देखते अपन क्या होता है उसमें। तो फाइनली मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ दोस्तों। अभी इसमें जो प्रॉफिट किया है सिप्ला में मैंने किया है, 4700 के पास प्रॉफिट किया है। एक मिनट, इसमें मैंने 4700 का प्रॉफिट बुक किया है। ये अभी तक आया था, देखो यहाँ तो फिर से आ रहा है, लगभग मुझे देखा था 450 का, पर जैसे बुक कर रहा हूँ थोड़ा सा नीचे गया। मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता, पर मुझे 1:3 मिल गए ना, फिर उसके बाद मैं सीधा बुक कर लेता हूँ। फिर अब फिर मार्केट ऑर्डर में कहाँ पर मुझे प्राइस मिलती है एग्जिट की, तो मुझे फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार मिल जाए ठीक है, अपना काम हो जाता है। अभी देखिए अब ये भी स्टॉक चला, अब ये इसमें तो प्रॉफिट आ चुका है। अभी मेरे पास कितने स्टॉक बचे अभी तक? दो स्टॉक बचे। पहले मैं इसका एसएल रिमूव कर लेता हूँ, शिपला का। ये है एसएल, बिना एसएल के मार्केट में हमें काम करना ही नहीं है, बस एक सिंपल था, भले कितना ही कुछ हो जाए मार्केट में एसएल लगाना है और फिर बाद में ही अपने को काम करना है दोस्तों। क्योंकि इस यही है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, वीकनेस तो नहीं पर स्ट्रेंथ तो यही बनेगा आपकी, इसीलिए इसको कभी मिस मत करिए। प्रॉफिट दिख रहा होगा तो सिर्फ कितना दिख रहा है आपने, वो प्रॉफिट दिख रहा है 1000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, सॉरी 1000 बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। क्योंकि ऑलरेडी दो ऐसे मेरे हिट हो चुके हैं, पर फिर भी मेरा एक ट्रेड ऐसा है कि उसने दोनों को कवर कर लिया और उसने मुझे और 100 रुपीज का एड ऑन करके प्रॉफिट दिया है। अभी मेरी जो एक पोजिशन चल रही है HDFC लाइफ में, इसमें लॉस चल रहा है राइट। अभी इसमें मोमेंटम कब आ सकता है? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, लगभग 586.5 के ऊपर जाएगा। और सेलर फिर से कब एक्टिवेट होगी दोस्तों इसमें? जब मार्केट लगभग 583.6 के नीचे जैसे मार्केट जाएगा वैसे सेलर है। अब ये थोड़ा ट्रैप जोन है, इसमें जो भी ट्रेड करेगा सिर्फ इसमें थक जाएंगे बस। बायर्स और सेलर, बायर्स यहाँ पे ट्राई करेंगे, सेलर ऊपर से, सेलर यहाँ पे फिर से एक्टिवेट होगी, बायर नीचे से, सेलर ऊपर से, बस बीच में ही प्राइस क्या करेगी, कंसल्ट करिए, सीधा फ्लैट चल रहा है प्राइस। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मूव कहाँ पे रहेगा? इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे बेस्ट मूव रहेगा सेलिंग के लिए। दोस्तों क्या लगता है आपको इस ट्रेड में, क्या बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में कौन जीत सकता है? यहाँ पे बायर्स जैसे ही नीचे की साइड पे प्राइस था, बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो हैमर टाइप बनी है, मतलब सेलर्स ने डाल दी है गूगली, यहाँ पे गूगली डाल दी है। अब क्या ये स्टॉक नीचे जाके घेसल हिट करेगा या फिर मुझे इस ट्रेड में, इस स्टॉक ट्रेड में प्रॉफिट होगा? क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो इसमें एसएल होगा या तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे शानदार गेन डालते हुए बायर्स ने, ओ नो 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 नो, पर ये क्या सीधा हिट कर दिया सेलर लोगों ने। कोई ना, बॉल तो बहुत शानदार डाली थी बायर लोगों ने, बट फिर भी देख सकते हैं आप। अरे यार, तो अभी फिर भी चल रहा है, मतलब इस स्टॉक लगता है इस कैंडल में मिलने वाले 2 रन मिल सकते हैं, शायद ज्यादा तो नहीं पर 2 रन मिल सकते। फिर भी देख पा रहे हम कि अभी भी बायर्स का दबदबा सेलर्स पर बहुत अच्छे से बना हुआ है। अपन को बस देखना है कि कौन जीतेगा, कौन मारेगा इस स्टॉक में बाजी। आप कमेंट में जरूर बताओ, भूलना मत इस बार। अभी देखो ये स्टॉक में देखो कौन सा HDFC है, इसने मैंने क्या किया, बाय किया है तो ये सेलिंग के लिए, मतलब ऐसे हिट करने के लिए जा रहा है। और विप्रो में मैंने सेल किया है तो ये क्या कर रहा है, बाइंग साइड के लिए, लो ऐसे हिट कर लिया, इसमें मेरा ऐसे हिट हो गया है। ऐसा है मतलब जिसमें बाय करूंगा वो सेल साइड के जा रहा है, जिसमें सेल कर रहा हूँ वो बाय साइड के जा रहा है। कमाल है मार्केट की भी। तो अभी तो लॉस, अभी लॉस है देख, अभी लॉस चल रहा है मेरे को। अगर आज अगर लॉस होता है तो करीब मैं डे क्लोज कर सकता हूँ
150 के पास तक का लॉस हो सकता है मेरे को, ठीक है। आज का फिर इतना जो लॉस होगा वो मैनेजेबल है, उसको मैं कवर कर लूंगा अगर होता है तो। देखेंगे अपन क्या है। तो एक लास्ट ट्रेड है मेरा फिलहाल, अभी 170 के लॉस में अपनी ट्रेडिंग क्लोज होती हुई गाइस, अभी देख सकते हैं। इसमें भी लॉस हो गया, चलिए HDFC में लॉस हो गया, इसमें भी ऐसे हिट हो चुका है। अभी फिलहाल तो मैं चलूंगा, अभी एक बार अपन ये भी वो स्टॉक देख लेते हैं, इसमें भी लॉस है, इसमें लॉस है। PNL देख लेते हैं सिर्फ लास्ट में, किसमें कितना कितना लॉस हुआ है। इसमें 110 का लॉस है, इसमें प्रॉफिट अच्छा है 417 का। इसमें HDFC में 156 का लॉस, फिर बाद में SBI लाइफ में 180 का लॉस और विप्रो में 143 का लॉस। तो सभी अपने रिस्क के अंदर ही थे, जितना रिस्क टू रिवॉर्ड था उसके हिसाब से रिस्क रखी थी उतना ही लॉस हुआ है। बस इसने अच्छा काम किया है सिप्ला ने, उसने प्रॉफिट दिया, इसी की वजह से जो 3 डेट का जो लॉस है उसने अकेले ने कवर कर लिया। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लाइव ट्रेडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ, आपके सामने पूरा ट्रेड चल रहा है।